हेलो दोस्तों, एंड्रॉइड बेड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग मेजू M3s को इजीली रूट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को सिर्फ दो ही स्टेप बताऊंगा कैसे आप इजीली दो स्टेप में मेजू का M3s को रूट कर पाएंगे। और ये जो रूटिंग प्रोसेस है, ये आपको मेजू के और भी फोन्स जिनमें मेजू का 5.1 फ्लाइमी OS है, उन सब में आपको सपोर्टेड मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या करना होगा आपको, पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्लाइमी अकाउंट का। फ्लाइमी अकाउंट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपके पास पहले से एक फ्लाइमी अकाउंट है तो आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है तो मैं इस पर लॉगिन करता हूँ। एक बार लॉगिन हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको बैंक में जाना होगा। बैंक में जाने के बाद आप अगर फिंगरप्रिंट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रूट परमिशन का। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक डिस्क्लेमर दिखेगा, इस डिस्क्लेमर को आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। और यहाँ पे नीचे आपको एक एक्सेप्ट बटन दिखेगा, एक्सेप्ट करके अगर आप ओके क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस रूट हो जाएगा। आप बहुत से लोग सोचेंगे कि लॉगिन करने की क्या ज़रूरत है, लॉगिन करने से पहले आपको ये ऑप्शन मिल जा सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं फ्लाइमी अकाउंट में जाके लॉग आउट करता हूँ। अब अगर देखेंगे आप फिंगरप्रिंट एंड सिक्योरिटी में, यहाँ पे आपको रूट का जो ऑप्शन है वो नहीं दिखेगा। तो मैंडेटरी है आपको फ्लाइमी अकाउंट में लॉगिन करना। तो पहले फ्लाइमी अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद आप अपना फोन रूट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा फ़ोन जो है वो रिबूट हो रहा है, और रिबूट होने के बाद ये फ़ोन जो है रूट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका था, सिर्फ दो स्टेप में ही आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अपने फ़ोन में, या फिर आपको फास्ट बूट मोड में जाके भी रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी आसान उपाय था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मदद में आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ़ोन बूट हो गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिंगरप्रिंट एंड सिक्योरिटी में, तो आपको रूट का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। रूट का ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आपको सारे ऐप्स दिखा देंगे जिनको रूट परमिशन है। तो ये काफ़ी आसान तरीका था रूट करने के लिए। चलिए मैं आपको रूट टेस्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे रूट है या नहीं। चलिए मैं ऐप डाउनलोड करके, रूट टेस्टर ऐप जो है वो डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ रूटिंग जो है पूरा हो गया है या फिर नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने रूट चेक डाउनलोड कर लिया है। अभी देख लेते हैं वाईफाई रूट करके इस डिवाइस में रूटिंग एक्सेस है या नहीं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रूट एक्सेस इज प्रेफरली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस। तो जैसे कि आप लोग देख पाए, ये एक बहुत ही आसान तरीका था मेजू M3s को रूट करने के लिए। और मेजू के और भी डिवाइस जिनमें मेजू का फ्लाइमी 5.1 OS है, उन सब डिवाइस को आप इजीली रूट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अनबॉक्सिंग गैजेट रिव्यूज वीडियोस देखने के लिए। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो।